हुड्डा किस काम का है? ये जाट होते हुए जाट की नाक कट पा रहा है हुड्डा, वो राजनीति के योग्य नहीं है। राहुल गांधी तो कोई आदमी नहीं है, उसके लिए तो आप बात करो या ना करो बेकार। राहुल गांधी तो कहते हैं कि 20 किलो का आलू पैदा करते हैं, आप बताओ 20 किलो का आलू हो जाएगा क्या? राहुल गांधी तो मिलावटी नेता है, तो यहाँ कांग्रेस का आलू बहुत ही बुरा खटाखट 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 खटाखट। सब मनोज के समर्थक है, मनोज भाई बनावेगी पूरी रावत पाल। बांडा को कितनी जमीन दे दी गुटगामा से बताओ? हुड्डा साहब ने दी ना, तो फिर बताओ हुड्डा किस काम का है? ये जाट होते हुए जाट की नाक कटवा रहा है हुड्डा, वो राजनीति के योग्य नहीं है, उसे तो इस्तीफा दे देना चाहिए। वो तो फिर सीएम बनेंगे हरियाणा के, वो कभी भी सीएम नहीं बनेगा, वो मांस मरवाता है। 5-7 मांसों में ठाडे तो लगवा दी उसने, आपको भी पता होगा, हम भी जिम्मेदार है लेकिन हम भी थोड़ बहुत रखते हैं। बताओ 5-7 आदमी को गई थी उसने, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी तो कह रहे हैं मोदी जी ने यहाँ कुछ दिया ही नहीं हरियाणा को। राहुल गांधी तो ये कहते हैं कि 20 किलो का आलू पैदा करते हैं, आप बताओ 20 किलो का आलू हो जाएगा क्या? ये तो किसान जानता है कि आलू तो ज्यादा ज्यादा पाव शेर का ही होगा, बताओ। राहुल गांधी कह रहे हैं जाट नाराज है, किसान नाराज है, दलित नाराज। नहीं, जाट नाराज नहीं है, जाट तो बीजेपी चाहते हैं। बकवास देता है राहुल, राहुल को यही पता नहीं है क्या माँ क्या थी, बाप क्या था, दादा क्या था, दादी क्या थी। पप्पू वो तो काहे के आँख मारे, काहे के गालन न खावे, वो आदमी है, काहे के मैं आँख मारे, काहे के मैं गालन न खावे। मोहम्मद इसराइल वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हो, आदमी है जिनावर है। राहुल गांधी बता दीदी, काहे के बाप था, दादा दादी बन गई हिंदू होते हुए, फिरोज गांधी को नहीं लाए थे रात रात में और तब शादी की थी। वो गांधी क्या है कोई गांधी सुना इससे पहले? कश्मीरी पंडित कौन, क्या कह रहा है? कुछ नहीं है भाई, वो कुछ नहीं है। एक सबसे बड़ा हमारे साथ दुर्भाग्य जो हुआ था वो किया था, जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने एक गांधी का नाम दे दिया। गांधी क्या था फिर? सबसे बड़ा ये क्या बोलूं मैं, वो दुर्भाग्य देश के लिए जो आज नोटों पे उसके फोटो होने हो रहे हैं। अगर फोटो होने थे नोटों पे तो भगत सिंह आजाद के, सुभाष चंद्र बोस के, ठीक है, सुखदेव के, राजगुरु के, इन्होंने कुर्बानी थी। इन्हें क्या किया था? किया सत्या के कर लिया नमक, हाँ सैनिक इनके जो सैनिक इनके हैं ना, झंडा पे भी वो चिन्ह होना चाहिए, राष्ट्र चिन्ह वो, ये हमारे जो भौजी के यहाँ है एक राष्ट्र दे दिया, वह चक्कर दे दिया, वह चक्कर में डाल दी जनता। अच्छा। हाँ जी, यह चक्कर में डाल दी जनता। और ये बापू के कौन से तीन बंदर है, नाम बताओ आप? यही तीन बंदर है। हाँ जी, यही तीन बंदर। कौन तीन बंदर? गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अम्बेडकर, ये तीन बंदर है। ये मतलब संविधान नहीं, ना बोलने दो, ये संविधान नहीं, ये एक वो बना दी है, वो कौन ही की वो सर, एक शराब ही कौन सी हूँ वो। अब ये बताए राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो मिलावटी नेता है, तो हो नहीं उसकी बता दो, कोई असली हो तो बता दो, और जाके कोई जाति ना हो के मैं जाति गणना करवाऊंगा। वो पूछे तो कौन सी जाति में का लड़का है। अब ये बताइए दाऊ जी, क्या लग रहा है हरियाणा के चुनाव को देखते हो, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी का बोलबाला जी यहाँ पे तो, बीजेपी का। ऐसा क्यों है? ऐसा जी मतलब ये तो थोड़ा बहुत जो कांग्रेस का बोलबाला भी है जो, ये केवल हुड्डा के पीछे है, लेकिन यहाँ पर हुड्डा का दबदबा नहीं, यहाँ पर तो जो है ना बीजेपी की सीट दबदबा जी। नाम क्या सर आपका? भाई साहब नाम क्या भाई साहब? जोगिंदर भट्ट गुजर। जोगिंदर जी बताइए क्या लग रहा है हरियाणा का माहौल? हरियाणा का माहौल ओनली बीजेपी 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 बस। मोहम्मद इसराइल है वो खत्म कहानी, खत्म उनकी कहानी, कुछ नहीं है, वो पैसे के टट्टू हैं, वो पैसे लेते हैं और बस मतलब कि उसको खरीदते हैं, कुछ नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा और मुर्दाबाद था। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद था जी। राहुल गांधी तो कह रहे हैं मोदी जी ने बेड़ा गर्क कर दिया। राहुल गांधी कौन बरादरी है? राहुल गांधी, गांधी क्या है? गांधी वर्ड्स क्या है? दिखाते हैं जनेऊ नहीं, वो पहनता गांधी है जो है, ओनली हिंदू भक्त है जो, ओनली बीजेपी। आपका नाम क्या सर?
विवेक मित्तल। क्या लग रहा है इस पे जो ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे आपके हाथ? ये समाज के लिए भैया बहुत ही गलत है, ऐसा एक तरफा बात ना होनी चाहिए। और जो भी है राजीते या में कहीं ना कहीं त्राइल साहब की मेहरबानी है। अच्छा, हाँ, ये उनकी देख रेख में हुआ? बिल्कुल। तो क्या कहेंगे जिन्होंने ये नारे लगाए उसके? ये तो समाज के लिए गलत है बिल्कुल, मतलब कि बहुत देशद्रोह का काम है, तो ऐसे आदमी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हरियाणा के छोरे तो सबसे ज्यादा सेना में लगे रहते हैं, देशभक्ति करते हैं, लेकिन यहाँ उन्हीं की धरती पे पाकिस्तान जिंदाबाद लग रहे हैं। भैया ये धरती अलग है उनके लिए, तो ये पाकिस्तान से ही है बिल्कुल प्रॉपर। तो क्या कहेंगे ऐसे लोग? ऐसे लोग ये समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है, इनको समाज से अलग ही करना चाहिए, कुल मिलाकर बात ये है। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, राहुल गांधी तो कोई आदमी नहीं है उसके लिए, तो आप बात करो या ना करो बेकार है, मतलब कि उसके लिए इतना टाइम नहीं है जो हम उसके लिए बात करें। अब यहाँ पे कुमारी शैलजा जी हैं जो कांग्रेस की बड़ी नेता है, जो हुड्डा के समर्थक है वो उनको जाति सूचक शब्द कह रहे हैं, उनको गालियाँ दे रहे हैं। देखो जी, वो तो उनका अपना आपसी मैटर है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो तो उनका आपसी मैटर है। हम तो ये है, सीधी सी बात है, सभी भाइयों से अपील है, जो भी युवा वर्ग है भाई, जो भी भाई सुन रहे हैं सभी बीजेपी सपोर्ट करें, और भाई मनोज रावत है बहुत अच्छी तरह से भारी मतों से विजयी बनाए। हुड्डा साहब तो कह रहे हैं इस बार हम आएंगे। हुड्डा साहब, मैं कह दूं मैं आऊंगा, आ जाऊंगा मैं? यार कमाल कर दिया, कहने से नहीं आते जी, कोई भी कर्म करने पड़ते हैं, कर्म अच्छे होने चाहिए। वो तो बोल रहे पहलवान भी हमारे साथ, किसान भी हमारे साथ, दलित भी हमारे साथ, मुस्लिम भी हमारे साथ, हमारे साथ सब है। अच्छा, कहने से कुछ भी नहीं होता। मैं कह दूं जी मैं बन रहा हूं 50,000 वोटन से, नहीं बनूंगा, कर्म होने चाहिए। हुड्डा साहब के इतने अच्छे कर्म ना जो वे कुछ बन जाए, और ना ही उनके जो अभी टिकट वितरित हुई है, इतने अच्छे आदमी ने टिकट वितरण नहीं करे है, सरासर अनदेखी हुई है। हालांकि उनको आपसी मैटर है, वो आप सुलझेंगे। तो क्या कहेंगे जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यहाँ जब जब कांग्रेस की सरकार आई है दलितों पे यहाँ पे शोषण हुआ है, तो आपने तो देखा होगा हुड्डा का शासन भी, तब क्या हालात है यहाँ पे? निखालस पर्ची और खर्ची का काम हुआ है, लिस्ट लगी है, जितने भी भाई साहब यहाँ पे सब भाई साहब बैठे हैं, खड़े हैं, जितने भी भाई साहब, सब पता है यहाँ पे पैसे से नौकरी मिली है, और तीन तीन, यदि पैसे से नौकरी मिली भी है, पैसे जिसने दे दिए उसके 6 महीने में यदि नौकरी ना मिली तो 6 महीने और साल भर में पैसे रिटर्न हुए हैं, और वो भी किस्तों में। तो ऐसा यहाँ पे सबने देखा है, हमने नहीं, सबने ही देखा, जितने भी नौजवान वर्ग सब पता है पर्ची और खर्ची से नौकरी मिली है यहाँ पे। अब बीजेपी शासन में क्या हो रहा है? बीजेपी शासन में बिल्कुल निष्पक्ष, किसी भी कोई भी भाई साहब यदि ये कह दे मैंने एक पैसा दियो मैं 1,00,000 रुपये मैं दूंगा उसे, इतना कॉन्फिडेंट बिल्कुल प्रॉपर। यदि कोई भैया यूँ कहते मैंने भैया नौकरी के लिए मैंने 1,00,000 रुपया भी दिया 1,00,000 रुपये मैं दूंगा उसे, बिना पर्ची बिना खर्ची बिना पैसा कुछ भी नहीं दिया किसी ने। हाँ, कहाँ से? खट राहुल गांधी के खाते में आएंगे। अच्छा, हाँ, सरकार आई पी जब जनता इतनों सो भी उनसे कोई प्रॉफिट नहीं होना, ओनली ओन भाईचारो खराब होना है, जातिवाद होनो है, हिंदू मुस्लिम होनो है, बस और कुछ नहीं है, उनके खाते भर जाएंगे, ये प्रॉपर है फुल। हाँ जी, खटाखट खटाखट खटाखट। अच्छा, उनके खाते फुल। और यहाँ कांग्रेस का हाल होगा बहुत ही बुरा, खटाखट 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 खटाखट। जय श्री राम। दीपेंद्र हुड्डा तो कह रहे हैं इस बार सीएम हम बनेंगे। भैया देखो भाई साहब, मैंने आपसे पहले भी प्रॉपर कहा, अब भी कह रहा हूँ, कहने से कोई कुछ ना बने, के कर्म करने पड़ेंगे, जमीन से जुड़ना पड़ेगा। वो विनेश फोगाट तो कांग्रेस में चली गई है। देखो विनेश फोगाट, वो उनको आपसी मामलों है, वो भी बढ़िया लेडीज है, मती फिर गई है बेचारी की, आनो चाहिए बीजेपी में, चलेगी कांग्रेस में, ऐसा ना होना चाहिए। वो उनको आपसी मैटर है, वो देखेंगी, उन्हें अपना करियर देखना है, तो ये है। आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम सुभाष चंद्र। क्या लग रहा है सुभाष जी, माहौल क्या लग रहा है हथीन और पूरे हरियाणा में? मनोज भैया जिंदाबाद, बीजेपी जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम। काम हुए पिछले 10 सालों में? हैं? अपोजिट को बन जाए अब कुछ भी ना हो 5 साल में। मनोज भैया करवाओ को जो कुछ करवाओ। जो मोहम्मद इजराइल है, अरे वो तो लह लोट है, ले बैठा को है। हाँ, मनोज जीता को ओनली। अरे हुड्डा जी कह रहे हैं हरियाणा में अब की बात, मनोज जीता को बस, मनोज जितानो हमें और ना करना कुछ भी, मनोज जितानो। हाँ, मनोज जतानो बस। दीपेंद्र हुड्डा आपके यहाँ आएंगे, बोलेंगे हमें वोट दे दो। हम तो मनोज देंगे चक्का, ये कोई आओ चाहे। अच्छा। हाँ, मनोज की तो कितने वोटर से देंगे यहाँ से मनोज जी? मैं तो नसीब की बात है, नसीब की बात है, कम से कम 20,000 वोटों से। नाम क्या ताऊ जी? हुकम। तो हुकम जी किसका हुकम का इक्का बैठा रहा है इस बार? बीजेपी। बीजेपी मनोज रावत जी? मनोज रावत। ऐसा क्या कर दिया मनोज जी ने?
नया छोरा अभी नया चेयरमैन रही है कोरी रावण भाई दी। हाँ खर्च करें मनोज रावत अभी दो साल हुए चेयरमैन हुए 25 करोड़ रुपए दिए उसने, अकेले नांगल जाट के लिए दिए कम से कम 2 करोड़ रुपया तो उसने। अरे ताऊ जी यार कांग्रेस तो बोल रही है जाट नाराज हैं, किसान नाराज हैं, पहलवान नाराज ना, सब सही है, सब सही है, सब बीजेपी के सब। हाँ वो तो मेवन की पार्टी है कांग्रेस तो। राहुल गांधी खुल्लम खुल्ला तो मेवन कह रहा है एक भाई उकर दियो मस्जिद बना देंगे, राम मंदिर तोड़वा देंगे। हाँ कहा मोहम्मद इजराइल है कांग्रेस के उम्मीद यू तो कती है औरंगजेब है। छह चोरी ने पहले लेके भगो। हाँ हमारी हिंदुओं की लड़की छह भगी और वाई के वहां में रही है सब। हालात कैसे हैं आपके यहाँ हतीन में? बीजेपी है सब। हाँ कितने वोटों से जीतेंगे आपके मनोज रावत जी? 25-30 हजार अंतर रहनी चाहिए हमारे हिसाब से तो, RSS आएगी तो और बढ़ जाएंगे। अरे वो तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे कांग्रेस। हम जय श्री राम के लगा रहे। नाम क्या ताऊ जी? श्याम लाल। अब ये बताएं आपके हतिन में आए हम 15-20 दिन बाद आपके यहाँ वोटिंग भी हो जाएगी, क्या माहौल लग रहा है यहाँ चुनाव का? अरे माहौल बढ़िया रहेगा बेटा, रावत पहले ही कहीं भी न जाए एक ठोर रहे। अच्छा कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के उनकी रैली में रख रहे नामांकन? उनकी तो FIR करवा जब रोक कटा को कटा है बीजेपी के हैं सब। हाँ बीजेपी सब जहर के बीजेपी समर्थक है भैया, सब मनोज के समर्थक हैं। मनोज भाई बनावेगी पूरी रावतपाल और रावतपाल पूरी मनोज के साथ है, बीजेपी के साथ है। हुड्डा जी तो कह रहे हैं हमारी सरकार। हुड्डा कहो चाहे को जिलेदार कहो ठीक है ना, बीजेपी के साथ है, मनोज भाई के साथ है, पूरी रावतपाल जहर के। मोदी जी ने कुछ काम करो कि ना करो? अरे बुतेरो करो है, बुतेरो करो भैया। यस ये था जी, पहले रियासतों में बटी हुआ था भारत, अब जातियों में बांट दियो इन्होंने, बांटो नहीं कांग्रेस ने, कांग्रेस नहीं तो बांटियो और का जाति में तो बांटियो। ये तो हिंदुओं को देगी आपको ये बता रहा हूँ मैं। अच्छा। ये आखिरी वार्निंग है हमारी, हिंदुओं को देगी अगर कांग्रेस रही ना 10 साल तो हिंदुओं को। राहुल गांधी तो आरक्षण भी बोल रहे खत्म कर देंगे, वो जन क्या क्या खत्म कर सकता है, वो तो ये कह रहा नालायक 370 भी खत्म कर दूंगा कश्मीर से, फिर से ला दूंगा बोलने। नहीं खत्म कर दूंगा 370 जो इन्होंने कानून बनाया 370 को तोड़ा है उसे खत्म कर देगा वो। ये बोल रहा है वो तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो उनके नेता थे वो ये तक कह रहे हैं कि राम मंदिर। राहुल के और नेता बच्चे नहीं, हम किसानों के बेटे मरे हैं वहाँ, चूंकि हमारे लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, हम किसान आदमी हैं, हमें ये लगता है कि एक बच्चा हमारे को नौकरी मिल जाए फौज की मिल जाए तो उससे गुजर हो जाएगी, लेकिन ये लोग हमें काम करते हैं कांग्रेस पार्टी। नाम क्या सर आपका? लक्ष्मण। तो क्या लग रहा है आपके हतिन में विधानसभा का चुनाव है और लगभग 15-20 दिन बाद आपके यहाँ वोटिंग हो जाएगी? हाँ। क्या लग रहा है, एक तरफ तो मोहम्मद इजराइल है, दूसरी तरफ आपके मनोज रावत बीजेपी से ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए रावतपाल पूरी मनोज रावत के साथ है। और जो हुड्डा साहब कह रहे हैं इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है उसका क्या? हुड्डा साहब तो कुछ भी कह सके, हुड्डा साहब का हुआ या मैं बीजेपी बनेगी। अब ये बताइए जो ये आपके मोहम्मद इसराइल के जो नामांकन रैली थी उसमें जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं इस पे क्या कहेंगे?